इस सेमिनार के बाद कॉलेज गेट पर हमारी वॉक होगी और वहाँ सिंबॉलिक सैनिटेशन एक्टिविटी भी होगी जिसमें आप लोग हमारे साथ जाएंगे। सियासत में शराफत के अलबरदार हलीमुल कबाब और आजजी और इंतसारी की तजसीम पुरखलूस सियासतदान हमारे जिले की पहचान और शनाख्त और आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर-ए-ज़कात जनाब मियां शौकत अली साहब लालेका, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपने ख्याल को मेरे सामने बैठे हुए साधा ग्राम मेरे प्रेस के साथी मेरे बेटे मेरी बेटियां इस कौम की बेटियां मैं सबके सामने आज मुखातिब होते हुए ये बहस जगह है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे आज इस फंक्शन में हो रही थी। मैं यहां कोई रूटीन की तकरीर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कुछ अपनी यादें ताजा कर रहा हूं, अपने बेटों को अपनी बेटियों को याद दिला रहा हूं। ये मुझे कल की बात लग रही है कि मैं इस कॉलेज में आपकी तरह एक स्टूडेंट था और आज मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि इसी कॉलेज में मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया और वो वक्त भी मुझे याद है कि जब हमने इस कॉलेज में स्ट्राइक की थी और अच्छी हमारी पुलिस ने पिटाई की थी। पूरा लाठीचार्ज था और जिसको हमने लीडर बनाया था वो आगे से निकल गया। उसके बाद का लीडर जो था मैं था और मैं पुलिस के साथ आ गया। वो मंजर जब काले जाता हूं तो मुझे याद आता है, तो लिहाजा अपनी याद के हवाले से कहता हूं कि स्ट्राइक जो है वो अच्छी बात नहीं होती, अभी गलत होता है। और मैं समझता हूं कि इस स्टेज पे जो मैं खड़ा हूं मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और बहुत जो मैं समझता हूं कि मैंने बेटा अपने उस्ताद का बहुत इत्राम किया। ये कल्चर अब हमें नहीं है, ये होना चाहिए। वही स्टूडेंट वही बच्चा कामयाब होता है जो मां बाप की
दुआ लेकर करता है और साजा ग्राम का प्यार और इत्राम लेकर, ये मेरा अपना तजर्बा है। और आज इस स्टेज पे हम खड़े हैं, हम मैं समझता हूं आज का फंक्शन एक लम्हा फिक्रिया है। पूरी दुनिया में मुसलमान के खिलाफ साजिश है और खास तौर पर इस पाकिस्तान के खिलाफ, और वजह क्या है, और आज जो हम पूरी दुनिया में जलीलों ज़ुबान मुसलमान हो रहा है, वो फलस्तीन हो, कश्मीर हो, कोई भी जगह हो, क्यों हो रहा है? हम रास्ता भूल गए, काश हम अपने रास्ते पे आ गए। तो बच्चों, इसी मुसलमान ने पूरी दुनिया में हुकूमत की। क्या वजह है कि हम वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते थे और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे? आज हम वो रास्ता भूले हैं तो किस स्टेज पे खड़े आए, किस स्टेज पे खड़े हैं? और यही आज की तकलीफ के हवाले से जो कौमें अपने मौसमों को भूल जाती, अपने हीरोज को भूल जाती, अपने लीडर को भूल जाती, वो यही असर होता है जिस क्राइसिस में, जिस परेशानी में, जिस उलझन में आज की मुल्क खड़ा है। हम कहते हैं कि तस्वीर तो लगा लेते हैं, सिर्फ तस्वीर की हद तक कैदे आजम को याद रखते हैं, उसकी असूल की याद। हम इलामा इकबाल की तस्वीर को लगा देते हैं, लेकिन उसका विजन, उसकी सोच कभी नहीं अपनाते। आज मैं समझता हूं, मैं फख्र से कहता हूं कि मैं जिस पार्टी में खड़ा हूं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, या बेटे बेटियां साझा कराम प्रेस वाले बैठे हैं, किसी का किसी पार्टी के साथ तल्लक होगा, किसी का किसी पार्टी के साथ तल्लक होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलफ उठाकर कहता हूं कि मेरा कैद इमरान खान ईमानदार भी है, नेक भी है। आज हम
अपने आप को अपने गिरेबान में मैं देखूं, जो असूल जो रूल्स मुसलमान के थे वो बाहर की दुनिया ने अपनाया है। मैं अपने तजर्बे की बात करता हूं कि मैं आज से 30 साल पहले पहली दफा बाहर के मुल्क गया, लंदन में गाड़ी में बैठा, या बेटा ये अगर मूवी बंद कर दें तो फिर वो ये रिकॉर्ड पे आ जाएगी।